नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोटा विजिटर में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुकुंदरा की रानी टाइग्रेस MT4 लाइटनिंग 2023 में कब तक बन सकती है माँ और कितने शावकों को दे सकती है जन्म और कौन होगा इन शावकों का पिता। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो पहुंच सके आप तक। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं यह वीडियो। हमें निजी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार साल 2023 मुकुंदरा हिल्स में खुशियाँ लेकर आने वाला है। हमें मिली जानकारी के अनुसार यहाँ एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से बाघों के कुनबे में वृद्धि होने के संकेत मिलने लगे हैं। 10 अप्रैल 2013 को मुकुंदरा में टाइगर रिजर्व स्थापित होने के बाद से ही यहां बाघों की संख्या बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के परिणाम स्वरूप यहां सन 2020 तक एक बाघ MT1 और दो बाघिन MT2 और MT4 की शिफ्टिंग की जा चुकी थी और इसी बीच एक बाघ T98 भी रणथंबोर नेशनल पार्क के टाइगर रिजर्व से चलकर यहाँ पहुँच गया था, जिसको मुकुंदरा में नाम दिया गया MT3। इसी दौरान बाघिन MT2 ने दो शावकों को जन्म दिया और 2020 में यहां बाघों की संख्या हो गई थी कुल 6। इसी दौरान मीडिया में बाघिन MT4 के मां बनने की खबरें भी आई थी, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी थी। इस प्रकार से मुकुंदरा में बाघों के परिवार में हुई वृद्धि से वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर साफ देखी जा सकती थी, लेकिन अचानक ही इस खुशी को वक्त की नज़र लग गई और यहाँ अचानक से ही किसी संक्रमण के कारण एक के बाद एक एक करके बाघों की मौत होने लगी और 2 महीने और 21 दिन के अल्प समय में ही यहाँ MT2 के दो शावकों सहित इस टाइगर फैमिली के 5 सदस्य काल का ग्रास बन गए थे और इस मौत के कालचक्र में से जो जिंदा बचकर निकली थी वह है एकमात्र खुशनसीब बाघिन MT4। तब से ही इसे रिजर्व के दरा एनक्लोजर में ही रखा गया था। इसके बाद 2022 में इसे एनक्लोजर से निकालकर रिजर्व के बोराबास वन शेल्टर में शिफ्ट कर दिया गया था। तब से ही यह बाघिन अकेले ही मुकुंदरा में स्वच्छंद विचरण कर रही थी। इसी दौरान एक नर बाघ को मुकुंदरा में शिफ्ट करने की मंजूरी मिल गई और 12 अप्रैल 2019 को बाघिन MT4 के मुकुंदरा में आने के 43 महीने बाद जोड़ा पूरा करने की कवायद पूरी हुई। इसके लिए रणथंबोर टाइगर रिजर्व से बाघ T110 को 3 नवंबर 2022 को फलोदी रेंज से ट्रैंक्यूलाइज कर मुकुंदरा में शिफ्ट कर दिया गया और इसको यहां नाम दिया गया MT5। पहले इसको रिजर्व के बोराबास शेल्टर स्थित 1 हेक्टेयर में बने सॉफ्ट एनक्लोजर में रिलीज किया गया और इसके 1 सप्ताह के बाद इसे एनक्लोजर से बाहर निकाल कर रिजर्व में खुला छोड़ दिया गया। वन विभाग के द्वारा किए गए काफ़ी प्रयासों के बाद आखिर में दिसंबर 2022 में बाघ MT5 का बाघिन MT4 से मिलन हो ही गया और तब से ही यह बाघ बाघिन साथ साथ ही देखे जा रहे हैं। सर्दियों में दिसंबर से मार्च महीना बाघों के प्रजनन के लिए बहुत अनुकूल होता है। बाघ इस समय मिलन करते हैं। इस दौरान यह जीव बहुत ही संवेदनशील हो जाते हैं और एकांत पसंद करते हैं। इस समय बाघ बाघिन जोड़े में रहना पसंद करते हैं। जब बाघ और बाघिन अपने उन्माद पर होते हैं तो इनके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। जरा सी आहट होने पर भी इन्हें क्रोध आ जाता है। इस समय इससे दूर ही रहना हितकर होता है। इस दौरान भूलकर भी उनके इलाके में जाना सीधे मौत को दावत देना हो सकता है। इनका यह मिलन काल दिसंबर से मार्च तक चलता है और अभी मुकुंदरा में भी चल रहे हैं बाघों के मिलन की बेला। इस मिलन के बाद से ही MT4 के मां बनने के कयास लगाए जाने लगे हैं और एक बार फिर से वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर दिखने लगी है। MT4 कोई साधारण बाघिन नहीं, बल्कि यह विश्व प्रसिद्ध रही रणथंबोर की रानी बाघिन मछली की नातिन और बाघिन कृष्णा की बेटी T83 लाइटनिंग ही है और आज जनवरी 2023 तक यह अपने जीवन के 9 साल पूरे कर चुकी है। वयस्क बाघिन T83 लाइटनिंग यह रणथंबोर टाइगर रिजर्व की रानी की बेटी है। इसकी माँ कृष्णा T19 विश्व प्रसिद्ध बाघिन है और उसे रणथंबोर टाइगर रिजर्व के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। रणथंबोर की क्वीन कही जाने वाली बाघिन मछली जो अब इस दुनिया में नहीं है,
उसने 13 साल की उम्र में सन 2011 में 3 मादा शावकों को जन्म दिया था। उन्हीं में से एक है लाइटनिंग T-83 की मां T-19 कृष्णा। उसने जनवरी 2014 में अपने दूसरे प्रसव के दौरान 4 शावकों को जन्म दिया था। बाद में दुर्भाग्य से उसने जल्दी अपना एक शावक खो दिया और जीवित बचे मात्र 3 शावकों में से ही एक बाघिन लाइटनिंग T-83 है और आज इसी को मुकुंद्रा में MT4 नाम से जाना जाता है। यहाँ आपको बता दें कि मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व में टाइगर से संबंधित और भी वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, जिनके लिंक भी हमने आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप वह सभी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं टाइग्रेस MT4 को माँ बनने में कितना समय लगेगा और यह कितने शावकों को दे सकती है जन्म, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। बाघिन का गर्भाधान काल लगभग 3.5 से 4 महीने तक होता है और यह आमतौर पर एक बार में 2 से 4 शावकों को जन्म देती है। लगभग 2.5 वर्ष तक बाघिन अपने बच्चों को साथ रखती है। इस दौरान बच्चे शिकार पकड़ने की कला अपनी माँ से ही सीखते हैं। 2.5 वर्ष के बाद ये स्वतंत्र रहने लगते हैं। MT4 की बात करें तो इसकी नर बाघ MT5 से मीटिंग दिसंबर 2022 के अंतिम सप्ताह के दौरान हुई थी और सब कुछ सही रहा तो 15 अप्रैल 2023 के बाद कभी भी मुकुंद्रा से MT4 के मां बनने के शुभ समाचार आ सकते हैं, जिसमें यह 2 से 4 शावकों को जन्म दे सकती है। आशा है कि मुकुंद्रा में बाघों की संख्या बढ़ेगी और शीघ्र ही यहाँ टाइगर सफारी भी शुरू हो जाएगी, जिससे यहाँ पर्यटन बढ़ेगा और इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी खुल सकेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।